हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा ईरानी फिरोजी के ऊपर। ईरानी फिरोजा दो जगह से आता है, यानी ईरानी फिरोजी की माइनिंग दो जगह से होती है। एक अपना किरमान सिटी होता है और एक निशाबुरी सिटी होता है। तो आज मैं आपको इन एसी के बारे में कुछ नॉलेज दूंगा। तो अब जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, ये सभी जो है ना, ये आपके किरमानी फिरोजा है, यानी किरमान के सिटी से ये फिरोजा ज्यादा ज्यादातर मिलता है। तो अभी इसमें क्या है बोले तो, किरमान का फिरोजे में मेटल आपको देखने को मिलता है और थोड़ा हल्का बहुत ये ब्लू कलर में आता है, यानी ब्लू कलर का फिरोजा होता है ये, और इसमें मेटल एल्यूमिनियम का मेटल ज्यादा देखने को मिलता है, आप देख सकते हैं। देखिए ये आपका किरमान का फिरोजा होता है, और यहां पे इस साइड आप देखेंगे तो ये आपका निशापुरी फिरोजा होता है। इसमें आप देख सकते हैं गोल्डन स्पॉट्स आपको देखने को मिलेंगे और थोड़ा ग्रीनिश शेड भी आता है इसमें। यहाँ पे देखिए, इसमें देखिए ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर है, लाइनिंग्स आते हैं, तो इसको हम लोग निशापुरी फिरोजा बोलते हैं। अभी इन दोनों में कौन सा बेस्ट है बोले तो, दोनों भी बढ़िया रहते हैं। बहुत ज्यादा कस्टमर्स ने हमें पूछा था कि सर ये किरमान का अच्छा होता है या फिर ये आपका निशापुरी फिरोजा अच्छा होता है करके। दोनों भी बढ़िया रहते हैं, बस आपके पसंद के ऊपर रहता है। आप चाहे तो ये किरमान का फिरोजा भी ले सकते हैं, चाहे तो आप ये जो है ना निशापुरी का फिरोजा भी ले सकते हैं। प्राइस भी दोनों का सिमिलर रहता है, बस क्वालिटी के ऊपर डिपेंड रहता है। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए आपको किरमान का फिरोजा पसंद आया या फिर निशापुरी फिरोजा पसंद आया। अगर आपको फिरोजा परचेज करना है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिलेगा, आप वहां से कॉल करके हमसे फिरोजी को परचेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।